वेलकम टुडेज टॉपिक्स एक सिंपल सा टॉपिक्स है फ्रेंड्स, यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। टू वेरिएबल्स का हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि होमोजेनियस फंक्शन टू वेरिएबल्स का कैसा है। जैसे टू वेरिएबल जैसे टू वेरिएबल्स तो होमोजेनियस फंक्शन होता है आपका एक्स रेस टू एन फाइव वाई बाई एक्स, दैट इज द फॉर्म ऑफ two variables is a homogeneous function and Euler's theorems what x del z del x y del z del y is equal to nz, but here three variables may work करना है कि suppose this is u function होगा आपका f x y z, ठीक है, that type of function है x y z, u is the function of x y z, so that case how to calculate या जो Euler's theorem होगा कैसे find out करेंगे, तो must be important है, this is a which is homogeneous if equation one of the form of the form u is equal to suppose is x raised to n f y by z, sorry, y upon x and z upon x form, that is it, ठीक, is a homogeneous function है of degree n कर सकते हैं, which is a homogeneous function of degree n, so u x raised to n f y by x and z by x form में अगर converts कर देते हैं, so that is a degree. सिमिलरली एंडर भी हो सकता है, y कॉमन ले लेंगे तो x by y z upon y हो जाएगा, z कॉमन ले लेंगे सो, बट ऑल टर्म दैट फॉर्मेट में कन्वर्ट होना चाहिए, सो दैट इज योर डिग्री इनटू n हो जाएगा, सो दैट यूलर्स थ्योरम चेंज कुछ नहीं होना है, x del u del x y del u del y z del u del z equal to n u, okay, that is n u, this is three variables homogeneous functions, तो इस पे एक problems कर लेंगे, देखते हैं बहुत सारा problems तो है, but एक simple सा problems, questions is here, x y u is given x plus y plus z divided by root x root y root z, so find x del u del x y del u del y z del u del z, ये find करना आपको simple, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द गिवन फंक्शन, जब डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे आप तो नो अनदर इज वर्क इज इंपॉर्टेंट, तो डिग्री इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट, सो फर्स्ट यू टेक इन द न्यूमरेटर x इज द कॉमन, सो इनसाइड 1 प्लस y अपॉन x प्लस z अपॉन x एंड डिनोमिनेटर रूट x इज द कॉमन, तो 1 प्लस अंडर रूट y अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट z अपॉन अंडर रूट x, yeah, this is the function u x raised to 1 by 2 is aapka phi y upon x and z upon x, this is the type of this function y upon x and z upon x, so this is degree n is 1 by 2 n degree, so degree, then we get we know that Euler's theorem, x del u del x, y del u del y, z del u del z equal to n of u, 1 by 2 u, और u की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं आप, so 1 by 2 x plus y plus z root x root y root z, that value is here. So, इस तरह से प्रॉब्लम के कंक्लूजन किए जा सकते हैं, नेक्स्ट सेकेंड
problem this if u equal to given है the if u is equal to x square y square z square upon x square y square plus z square plus cos of x y y z z x divided by again z square. So prove that x del u del x, y del u del y, z del u del z is equal to 4 x square y square z square upon z square. That is the work. Prove this. Okay. अभी प्रूफ करना आपको तो दैट इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट जो डिग्री है उसको वर्क करना है. सपोज दिस इज अ वन है तो हम मान लेते हैं दिस इज यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी वन प्लस वी टू. दिस इज क्वेश्चन नंबर टू वेयर वी वन व्हाट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज द डिग्री. अब इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हम इसको जो होमोजेनियस फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करें. इज इम्पॉर्टेंट कन्वर्ट टू द होमोजेनियस फॉर्म देन गो टू द अनदर वर्ल्ड. इट मींस वाई बाय जेड एंड वाई बाय एक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट होना चाहिए. सो एक्स स्क्वायर नो प्रॉब्लम. अगर हम कहें वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर सो टोटल कितना मल्टीप्लिकेशन हो गया एक्स स्क्वायर दिस इज एक्स इज टू फोर. ये एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल्स में है तो हमें एडजस्टमेंट करना होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. डिनोमेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर जेड अपॉन एक्स होल स्क्वायर. ओके दिस इज द कैंसल बट इज हियर सो एक्स इज टू फोर दिस इज वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर इन टू z upon x whole square divided by 1 plus y upon x whole square plus z upon x whole square. So total function 5 y by x and z by x. This is v1. So degree, that is important degree. So v1 is equal to x raised to n1 phi 1 suppose mali is phi 1 y by x and z by x. ओके तो इंप्लाई दैट n1 इज 4. सो डिग्री ऑफ v1 इज n1 इज फाइंड आउट हो गया 4. अब नेक्स्ट v2 जो v2 है इज फाइंड आउट द डिग्री ऑफ v2 देन गो फार्मूला सिंपल. सो v2 सो फॉर v2 इज इक्वल टू हियर दिस इज cos ऑफ xy plus yz plus zx divided by x square y square z square. This is देखिए here क्या clear है कि numerator and denominator की power जो है वो same है. clear हो रहा है numerator power denominator की power जो degree है वो same है. तो ये y by x होगा मतलब ये format हो गया v2 x raised to 0 cos ये अगर x common भी ले लें तो y by x हो जाएगा. फिर एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं x से डिवाइड भी कर सकते हैं दैट इज x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए सिंपल. ठीक है x स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा सिंपल तो यहां y / x मिल जाएगा. यहां पे y / x / z / x + z / x दिस इज एंड जो डिनोमिनेटर्स में मिल जाएगा 1 + y / x होल स्क्वायर z / x होल स्क्वायर. This is denominator divided by x square कर दिया मैंने numerator and denominators में. So that is here means x is to here 0 pi 2 y by x and z by x that is the form v2. So n2 is equal to 0. Degree is find out हो गया n2 is 0. n1 and n2 जब degree find out हो गया तो Euler's theorem का use कर लेंगे हम. Then use the Euler's theorem. From 2. So, Euler's theorem. X del u del x. Y
del u del y, z del u del z is equal to, जब जनरल अगर सिंगल टर्म में तो ये नहीं होता था, बट इसी अगर जाएगा तो n1 v1 n2 v2 सिंपल, तो n1 is 4 into v1 plus n2 0 into v2, so that is 4 into v1, v1 is here, that is the v1. तो इस तरह से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर थ्री वेरिएबल्स, यूलर्स थ्योरम फॉर थ्री वेरिएबल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो जनरली आप जो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो भी फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू दिस आप वर्क कर सकते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप टेक केयर करें और ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, जैसे आपका जो वर्क हो बहुत ही ईजी हो और सिंपल वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। सिमिलरली अप्लाई कर सकते हैं आप सेकंड वेरिएबल्स के लिए भी, दैट इज इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा आपका। तो एक तरह से नॉट दिस अ फर्स्ट ऑर्डर एंड वर्क अकॉर्डिंग टू गो फॉर कैलकुलेशंस, सो इंपॉर्टेंट फॉर थ्री वेरिएबल्स यूलर्स थ्योरम दैट इज इंपॉर्टेंट, मस्ट बी डिग्री इज इंपॉर्टेंट दैट कन्वर्जन टू दैट फॉर्मेट। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, गुड डे।